इसलिए 18 वेबसाइट बंद करो या 1800, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस तरह की जितनी भी वेबसाइट होती है वो एक जगह से नहीं चलाई जाती है, अलग अलग देशों से चलाई जाती है, अलग अलग सर्वर, अलग अलग डोमेन, और कई बार तो आप वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं उसके बाद भी सर्वर चेंज होते रहता है। करण जौहर के बड़े बजट वाली फिल्म जिसका बजट 400 से 500 करोड़ के बीच का बताया जा रहा है, यानी कि ब्रह्मास्त्र, ये फिल्म अगर फ्लॉप हो गई तो करण जौहर सीधे सीधे तौर पर रास्ते पर चले आएंगे, ये बात करण जौहर को भी पता है। यानी इस वक्त उनका दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, लीवर, अंतड़ी, पेट, सब कुछ टेंशन के माहौल में जी रहा है कि ये फिल्म किसी तरह से हिट हो जाए, 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ले। लेकिन ऐसा होता मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बॉयकॉट की मुहिम चल रही है, सबसे बड़ा टारगेट करण जौहर ही है। करण जौहर के नाम पर बहुत कुछ फटने वाला है और करण जौहर की भी फटने ही वाली है। देखिए, कोई भी फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो उसके कुछ ही घंटे बाद वो सारी की सारी फिल्म अच्छी क्वालिटी के साथ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आ जाती है, लोग वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसी कई पायरेटेड वेबसाइट है जहां से इन चीजों को डाउनलोड किया जाता है। अब करण जौहर ने इन्हीं चीजों को लेकर कोर्ट में एक याचिका डाली थी कि इन सभी वेबसाइट के ऊपर बैन लगाया जाए, कंप्लीटली बंद कर दिया जाए। तो कोर्ट ने भी करण जौहर की बात मान ली कि हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, आप इतने करोड़ों रुपए डालकर फिल्में बनाते हैं और ये तुरंत ही चोरी करके बांट देते हैं प्रसाद की तरह, तो ठीक है, हम बैन लगा देते हैं। तो करण जौहर की डिमांड पर जो याचिका डाली थी, कोर्ट ने 18 वेबसाइट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है, यानी यहां से अब फिल्में डाउनलोड नहीं की जा सकती हैं, ये हमेशा के लिए बंद हो गई है। लेकिन क्या इससे करण जौहर की समस्या सुलझ जाएगी? बिल्कुल नहीं सुलझेगी, 0% भी नहीं सुलझेगी, बल्कि समस्या और बड़ी हो जाएगी और बढ़ जाने वाली है, क्योंकि इस तरह की जितनी भी वेबसाइट होती है वो एक जगह से नहीं चलाई जाती है, अलग अलग देशों से चलाई जाती है, अलग अलग सर्वर, अलग अलग डोमेन, और कई बार तो आप वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं उसके बाद भी सर्वर चेंज होते रहता है, तो आप कहां से रोकोगे? ये 18 वेबसाइट तो समंदर में छोटी सी बूंद के समान भी नहीं है जिसके ऊपर आपने ब्लॉक लगाया हुआ है, बैन किया हुआ है। दुनिया भर के एप्स हैं, दुनिया भर के वेबसाइट हैं, आप कहां कहां रोकोगे? अगर अश्लील फिल्में जो आप देखते हैं उसे रोकना इतना आसान होता तो सरकार ने भी बैन लगाया हुआ था ना पॉर्न वेबसाइट के ऊपर। क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट निकला? कुछ नहीं निकला, बल्कि उसके बाद इस तरह की वेबसाइट की जो संख्या है वो और भी ज्यादा बढ़ गई, अलग अलग डोमेन, अलग अलग सर्वर के साथ इन चीजों को देखा जाने लगा। और चलिए मान भी लेते हैं कि आपने बैन कर दिया है, तो क्या इंडिया से बाहर ऐसे तुर्रम खान नहीं बैठे हुए जो इन मूवीज को, बहुत सारी फाइल ट्रांसफर की वेबसाइट आती है उसके ट्रांसफर के जरिए ईमेल पर भेज दें, फिर वहां से डाउनलोड कर लिया जाए लिंक के जरिए, फिर उसकी कॉपी बनाकर बेच दी जाए, फिर लोगों के व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए, लोगों को अलग अलग पायरेटेड वेबसाइट पर डाल दिया जाए, सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि पायरेसी करने का एक नहीं हजारों तरीका है। इतना दूर भी जाने की क्यों जरूरत है? बहुत सारे सिनेमाघरों में तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो वहां बैठकर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर आपने सिक्योरिटी के वजह से, अब मान लीजिए कि 8000 स्क्रीन पर करण जौहर की ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है, अगर उन 8000 सिनेमा घरों में ड्यूटी के हिसाब से दो शिफ्ट में सिक्योरिटी के लिए दो दो लोगों को बैठा दिया गया कि भाई कोई पायरेसी ना करने पाए, तो मतलब आप 16000-20000 तकरीबन लोगों को सिक्योरिटी के लिए बैठा रहे, उसका अलग खर्चा आएगा कि भाई देखते रहना कोई पायरेसी ना करने पाए यहां से भी बैठकर, तो क्या उन्हें खरीदा नहीं जा सकता है? दुनिया में हर इंसान बिकता है, बस उसका दाम सही सही लगा दीजिए, उन्हें भी खरीदा जाएगा, उन्हें भी फायदा दिया जाएगा। वो तुम्हारी सिक्योरिटी करने के लिए नहीं बैठे हैं कि ब्रह्मास्त्र का लीक ना होने पाए, ब्रह्मास्त्र को घाटा ना होने पाए। इतने ईमानदार हमारे देश में ना सरकारें हैं, न पुलिस वाले हैं, न कोई नहीं है। हर इंसान अपने अपने जगह पर करप्ट है। इसलिए 18 वेबसाइट बंद करो या 1800, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो करण जौहर की ये कोशिशें कितनी सफल होती है ये तो वक्त ही बताएगा, 2 दिन के बाद ही पता चल सकेगा जब फिल्म रिलीज होगी।